दोस्तों आज मैं छोरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो हाल ही में रिलीज हुई है और ये एक पॉपुलर मराठी मूवी लपाछपी की रीमेक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक अनजान औरत को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं, तभी वो नीचे गिर जाती है और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उतने में ही कुछ बच्चे उसे चाकू देकर कहते हैं कि उन्हें उसके बच्ची के साथ खेलना है। तभी वो लेडी किसी को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और हम बैकग्राउंड में शैतान जैसी डरावनी आवाज सुन पाते हैं, जिसके वश में आकर वो औरत चाकू लेकर अपने पेट को काट डालती है। फिर सीन शिफ्ट होता है साक्षी पर, जो कि प्रेग्नेंट रहती है और वो सिटी में एक एनजीओ चलाती है जिसमें वो कई सारे छोटे बच्चों का ख्याल रखती है। दरअसल साक्षी को बच्चे काफी ज्यादा पसंद होते हैं। आगे जब वो बच्चों को पानी पूरी खिलाते रहती है, उतने में ही उसके हस्बैंड हेमंत की एंट्री होती है और जब दोनों बातें कर रहे थे तभी उनके सामने जीप आकर रुकती है जिसमें दो गुंडे बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर हेमंत काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो तुरंत साक्षी को लेकर अपने घर आ जाता है, जहां पर कजला उनका ड्राइवर साक्षी को होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट देता है। वहीं जब साक्षी रात में सो रही थी, उसे नीचे हॉल में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और हेमंत भी उसके साइड में नहीं था। और जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि हेमंत को वही गुंडे मार रहे थे जिन्हें हमने एनजीओ के सामने देखा था। दरअसल ये गुंडे चंडेल के लिए काम करते थे, जिससे हेमंत ने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे उधार लिए थे और अब वो पैसे नहीं चुका पा रहा था, तो गुंडे उसे 24 घंटे का मोहलत देकर वहां से निकल जाते हैं। और यही बात गुंडों के जाने के बाद हेमंत साक्षी को बताता है। अब उन लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं था कि चंडेल को दे सके, इसलिए वो लोग एक दो दिन के लिए जगह छोड़कर कहीं और जाने का डिसाइड करते हैं। तो कजला उन्हें गांव चलने को कहता है। वो बताता है कि पूरे गांव में गिनते के सिर्फ 4 से 5 घर ही हैं, उसमें से एक तो उसका ही है। ये सुनकर दोनों इस बात को मान जाते हैं और कजला के साथ उसके गांव जाने के लिए निकलते हैं। काफी लंबा सफर करने के बाद वो लोग उसके गांव के खेतों के बीच पहुंच जाते हैं, जहां से आगे उन दोनों को चलकर जाना होगा। कजला उनको रास्ता दिखा देता है और खुद कार पार्क करने के लिए चला जाता है। और जब दोनों खेतों से होते हुए जा रहे थे तभी साक्षी नोटिस करती है कि यहां पर फोन के सिग्नल्स नहीं आते, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो किसी को कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हेमंत इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद जब साक्षी आगे चल रही थी और हेमंत उसके पीछे चल रहा था, तो साक्षी किसी को देखकर ये कहती है कि यहाँ पर भी हेमंत है और उधर भी हेमंत खड़ा है, जिसे सुनकर हेमंत डर के मारे उसके पास आता है और तब उसे पता चलता है कि साक्षी उसके साथ प्रैंक कर रही थी, क्योंकि वो जिसे हेमंत पुकार रही थी वो दरअसल एक स्केयरक्रो था। अब वो लोग देखते कि वहां से रास्ता अलग हो रहा है, इसलिए हेमंत साक्षी को वहां पर बैठाकर खुद रास्ता चेक करने के लिए आगे निकल जाता है। इधर साक्षी हेमंत का इंतजार करती है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, लेकिन अभी तक हेमंत वापस नहीं आया था, तो साक्षी उसी तरफ जाती है जिस तरफ हेमंत गया था। वो काफी देर चलने के बाद एक घर के दरवाजे के पास पहुंचती है, जहां पर उसे हेमंत की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसे हेमंत और कजला की वाइफ बन्नो देवी मिलते हैं और उन्हें देखकर साक्षी को थोड़ा अच्छा फील होता है। आगे बन्नो कजला और हेमंत को खाना खाने के लिए देती है, जहां पर साक्षी को पता चलता है कि बन्नो आज भी पुराने ख्यालात में जी रही है, क्योंकि वो आज भी यह रीति रिवाज को मानती है कि पति के खाना खाने के बाद ही पत्नी को खाना खाना चाहिए। और जब बन्नो और साक्षी खाना खा रहे थे तभी साक्षी को पता चलता है कि स्टार्टिंग में वो जिस कमरे के दरवाजे के पास पहुंची थी वो कजला के छोटे भाई का रूम था, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। आगे खाना खाने के बाद कजला और बन्नो अपने घर के लिए निकल जाते हैं और इधर साक्षी और हेमंत अपने रूम में सो जाते हैं। तभी हम रूम की ऊपर वाली खिड़की में से वही डरावनी आवाज सुन पाते हैं जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में सुनी थी। वहीं अगले दिन हेमंत कजला के साथ उनके खेत देखने के लिए निकल जाता है। उनके जाने के बाद साक्षी बन्नो को कहती है कि उसे भी खेत देखना है, मगर बन्नो इस पर ठीक से रिप्लाई नहीं देती। अब थोड़ी देर बाद हम साक्षी को उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं। वो सबसे पहले तो कजला के छोटे भाई के रूम में आती है और उस रूम को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वो कमरा किसी कारण से जल गया था। साथ ही में साक्षी को वहाँ पर काफी बुरी स्मेल भी आ रही थी, जिसके बाद साक्षी रूम से निकलकर खेतों को देखने के लिए निकल जाती है। आगे वो चलते चलते कुएं के पास आती है और जब वो कुएं में देख रही थी तभी हेमंत आकर उसे कुएं में गिराने का प्रैंक करता है, जिसके कारण साक्षी नाराज होकर वापस घर पर आ जाती है। वहीं रात में हेमंत साक्षी को बताता है कि उसे थोड़े पैसों का जुगाड़ करने के लिए शहर वापस जाना होगा, जिसे सुनकर साक्षी अपसेट हो जाती है। अगले दिन साक्षी हेमंत की शहर जाने वाली बात को लेकर दुखी होती है
तो बन्नो वहाँ आकर उसे समझाती है कि अगर वो दुखी रहेगी तो उसका बच्चा भी दुखी होगा, इसलिए उसे खुश रहना चाहिए ताकि बच्चा भी खुश रहे। उस दिन साक्षी बन्नो के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है जिसके कारण वो काफी खुश दिख रही थी, इसलिए वो हेमंत को अकेले शहर जाने देती है। वहीं अगले दिन साक्षी की आंख खुलने पर वो देखती है कि हेमंत पहले ही शहर के लिए निकल चुका है। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से आवाज आती है और चेक करने पर वो वही लड़की निकलती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और उसके पेट पर कटने का निशान भी था। तभी वहाँ पर बन्नो आती है और वो उस लड़की से काफी बदतमीजी से बात करती है। वहीं अंदर आने पर साक्षी उस लड़की के बारे में बन्नो से पूछती है। इस पर बन्नो बताती है कि वो उसके बेटे राजवीर की पत्नी रानी है। आगे वो बताती है कि जब रानी की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था तब खेतों में गिरने के कारण उसने अपना बच्चा खो दिया था। उस दिन से आज तक रानी ने कुछ भी नहीं बोला और उसका बेटा राजवीर ये जगह छोड़कर शहर में रहने के लिए चला गया। गाइस ये स्टोरी सुनकर हम साफ साफ समझ पाते हैं कि बन्नो यहाँ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रानी के साथ खेतों में क्या हुआ था। ये सब बताते हुए बन्नो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो साक्षी उसे कहती है कि हम भी तो उसके बच्चे जैसे हैं और आने वाले बच्चे पर आपका पूरा हक होगा। साक्षी के ये कहते ही हम बन्नो के चेहरे को देखकर समझ पाते हैं कि वह जरूर ही साक्षी से कुछ छुपा रही है। उसी रात साक्षी को 3 बच्चे देखते हैं जो कि पीछे के रूम की तरफ से जाते हैं, तो साक्षी भी उनके पीछे जाने लगती है। तभी बन्नो आकर उसे रोक लेती है। साक्षी उन्हें बताती है कि उसने अभी अभी यहाँ पर 3 बच्चे को देखा है। यह सुनकर बन्नो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो उन बच्चों के पास दोबारा कभी नहीं जाए। इस पर साक्षी कहती है कि वो तो जाएगी क्योंकि उसे बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। वहीं आधी रात को जब साक्षी की नींद खुलती है तो बन्नो को रूम के कोने में बैठा हुआ देखती है जिसके कारण उसे काफी अजीब लगता है। वहीं अगले दिन साक्षी को फिर से वही 3 बच्चे दिखते हैं जो इस बार भी पीछे के रूम की तरफ जाते हैं, और जब साक्षी वहाँ जाती है तो उसे रूम के दरवाजे के पास रेडियो दिखता है जिसमें कोई औरत अपने बच्चों के लिए गाना गा रही थी, जिसके बाद उसे वही बच्चे रूम के अंदर जाते हुए दिखते हैं। और जब साक्षी अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, और जब वो वापस आ रही थी तभी हम उसके पीछे एक डरावना सा हाथ देखते हैं। आगे जब साक्षी रेडियो लेकर जा रही थी तभी बन्नो उसे देख लेती है और उस रेडियो को छीन कर दूसरे तरफ फेंक देती है। आगे बन्नो साक्षी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उन बच्चों से दूर रहना चाहिए, जिसके ऊपर इन दोनों की बहस हो जाती है। वहीं रात में हेमंत वापस आ जाता है तो साक्षी उसे कहती है कि उसे यहाँ से तुरंत निकलना है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो ये भी कहती है कि बन्नो की नज़र शायद उनके होने वाले बच्चे पर है। हेमंत साक्षी को तो पहले समझाने की कोशिश करता है पर जब साक्षी नहीं मानती तो वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लोग अपना सामान लेकर वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी कचला हेमंत को मारकर बेहोश कर देता है और बन्नो साक्षी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो लोग किसी तांत्रिक के हाथों साक्षी के ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं और थोड़ी देर बाद बन्नो साक्षी को वापस उसके रूम में लाकर बंद कर देती है। हम देखते कि साक्षी को थोड़ा बहुत होश आता है, तभी बन्नो उसे कहानी सुनाते हुए कहती है कि कजला के छोटे भाई की शादी सुनैनी नाम की एक लड़की से हुई थी और जब से वो घर में आई तब से मेरे 3 छोटे बेटे उसी के साथ रहने लगे। वो उन्हें मेरे किला भड़काती थी। एक दिन मैंने ये सब अपने देवर को बता दिया जिसके कारण उन दोनों के बीच जमकर बहस हुई, और उसी के कुछ दिनों के बाद सुनैनी ने अपने पति को एक चाकू से मार दिया और फिर उसी चाकू से अपने पेट को काट कर कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। वो तो मर गई लेकिन मेरे 3 बेटों को भी अपने साथ ले गई। आगे हमें ये पता चलता है कि कुछ साल के बाद बन्नो ने अपने बेटे राजवीर की शादी रानी से करवाई और जब वो 8 महीनों की प्रेग्नेंट थी तब उसे सुनैनी और उसके 3 बच्चे दिखने लगे। रानी ने सुनैनी के वश में आकर एक चाकू से अपने ही पेट को काट लिया, और गाइस ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद बन्नो ने 2 बार फिर राजवीर की शादी करवाई लेकिन सुनैनी ने उनके साथ भी वही किया, पर बन्नो यहाँ पर भी नहीं रुकी और उसने 4थी बार फिर राजवीर की शादी करवाई लेकिन इस बार गांव में नहीं बल्कि शहर में, और अब उसकी पत्नी भी 8 महीनों की प्रेग्नेंट है। आगे बन्नो बताती है कि तांत्रिक ने ये कहा है कि 8 महीनों की गर्भवती औरत अगर इस घर में 3 दिन जिंदा निकाल लेती है तो उनके घर से सुनैनी की आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। जाते जाते बन्नो साक्षी को कहती है कि अगले 3 दिनों तक उसे जो कुछ भी दिखेगा वो उसका भ्रम होगा। वही बन्नो के जाने के बाद हम एक डरावने से हाथ को साक्षी के पास आते हुए देखते हैं, और अगले दिन जब साक्षी को होश आता है तो अपने पेट पर हाथ के जलने का निशान देखती है, जिसके बाद साक्षी हेमंत को ढूंढते हुए पीछे के रूम तक आती है
जहां पर अचानक से उसके सामने रेडियो आता है जिसमें सुनैनी लोरी गा रही थी। यह देखकर साक्षी तुरंत अपने रूम में वापस आती है। तब उसे वहां पर बन्नू के तीनों बेटे दिखते हैं जो साक्षी को कहते हैं कि उन्होंने कभी भी छोटी बच्ची नहीं देखी। उसके बाद वो साक्षी के सामने ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद साक्षी उन खेतों से बाहर जाने के लिए भागती है और इसी दौरान वो कुएं के पास पहुंच जाती है जहां पर उसे सुनैनी और बन्नो के तीनों बेटे कुएं में छलांग लगाते हुए दिखते हैं। यह देखकर वो समझ जाती है कि सुनैनी उसे विजन्स दिखा रही है। फिर साक्षी किसी तरह से उस केयरक्रो के पास जाती है जो उसे यहाँ आते वक्त दिखा था, और जब वो वहाँ से आगे जाती है तब सारे रास्ते जाकर बंद हो रहे थे और कई कोशिशें करने के बावजूद भी वो बार बार वापस केयरक्रो के पास ही आ जाती थी। तभी अचानक से उसे बन्नो राजवीर की आवाज आती है, तो वो छुपने के लिए सुनैनी के रूम में आती है जहाँ पर पहले तो उसे सुनैनी दिखती है और फिर वो खुद को सुनैनी की जगह पर देखती है। तभी राजवीर और उसके माता पिता रूम में आते हैं और साक्षी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं, मगर तभी साक्षी वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है जिसके बाद वो एक बार फिर से खेतों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं हो पाती और वहीं खेतों में सो जाती है। अगली सुबह आँख खुलने पर साक्षी खुद को वापस घर पर पाती है। तभी वहाँ से एक बच्चा गुजरता है और साक्षी को ये कहता है कि छोटी माँ तुम्हें बुला रही है। तो साक्षी सुनैनी के रूम की तरफ जाती है जहाँ पर वो सुनैनी को तीनों बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गाँव में कोई तो छोटी बच्चियों को अपने साथ लेकर जाता है। तभी सुनैनी का पति आकर उसे मारते हुए खेतों में लेकर जाता है। तो बन्नो के बच्चे सुनैनी को बचाने की कोशिश करते हैं और उसके हाथों में एक चाकू देते हैं, और तभी गलती से उसका पति चाकू पर गिर जाता है जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। उतने में ही बन्नो वहां पर आती है और उसे लगता है कि सुनैनी ने अपने पति को मार डाला। अब इसके बाद साक्षी को राजवीर की तीनों पत्नियों का विजन दिखता है कि कैसे उन्होंने सुनैनी के वश में आकर अपने पेट को काट डाला। आगे जब साक्षी अपने रूम में आराम कर रही थी तभी उसे सुनैनी के रूम में आग लगी हुई दिखती है, तो वो उसके रूम में जाती है। तभी अचानक से उसके पेट में जलने का निशान आने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहीं पर साक्षी एक बच्ची को जन्म देती है। फिर वहां पर बन्नो के तीनों बेटे आते हैं और कहते हैं कि हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी हम बच्चों के साइड में सुनैनी को भी देखते हैं जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी। वहीं साक्षी को होश आने पर वो अपनी बच्ची को ढूंढते हुए कुएं के पास आती है जहाँ पर वो देखती कि राजवीर और उसका पूरा परिवार उसकी बच्ची को किसी प्रथा के चलते कुएं में डाल देते हैं, और सभी के वहाँ जाने के बाद साक्षी उस कुएं में देखती है तो वहाँ पर कई सारी छोटी बच्चियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तभी साक्षी ये सब इल्यूजन से बाहर आती है और वो नोटिस करती कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। अब इन सब घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि अब तक साक्षी ने जो कुछ भी देखा था वो सब सुनैनी के साथ असल जिंदगी में हुआ था। अब इसके बाद साक्षी को सुनैनी और बन्नो के तीनों बच्चे फिर से दिखते हैं। आगे सुनैनी साक्षी को वश में करके अपने पेट को काटने के लिए मजबूर करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम साक्षी को सही सलामत घर के बाहर बैठे हुए देखते हैं। उसी टाइम वहां बन्नो कजला और हेमंत भी आ जाते हैं, मगर सुनैनी ने साक्षी को कैसे छोड़ दिया। दरअसल साक्षी ने सुनैनी से कहा कि वो उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है कि कैसे राजवीर के परिवार वालों ने उसके साथ कितना बुरा किया। साक्षी कहती है कि कहानी को दोबारा मत दोहराओ और मुझे यहाँ से जाकर तुम्हारी कहानी को दुनिया तक पहुँचाने दो ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। ये सब सुनकर सुनैनी साक्षी को छोड़ देती है। आगे साक्षी एक एक करके मूवी के सारे प्लॉट रिवील करती है। वो कहती है कि राजवीर के परिवार वालों ने सुनैनी को जिंदा जला दिया और उसने उसी हालत में एक बच्ची को जन्म दिया जिसे देखने के लिए बन्नो के तीनों बेटे के अलावा और वहाँ कोई नहीं आया था। इतना कम नहीं था कि राजवीर उसी बच्ची को ले जाकर किसी प्रथा के लिए कुएं में फेंक देता है। दरअसल उनका मानना था कि छोटी बच्चियों की बलि देने से फसल अच्छी होती है। वहीं सुनैनी अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा देती है, और इधर बन्नो के तीनों बच्चे छोटी माँ और बहन को बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं। इसके बाद साक्षी बताती है कि राजवीर ने ही अपने पिता के कहने पर अपनी दोनों पत्नियों को मार दिया था, क्योंकि अगर उन्होंने बाहर जाकर इस प्रथा के बारे में किसी को बता दिया तो वो लोग पकड़े जाएंगे, और रानी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने पहले ही अपना मुंह बंद कर लिया था। आगे वो बताती है कि राजवीर और कोई नहीं बल्कि हेमंत ही है, जिसे हम ये समझ पाते हैं कि गुंडों का पैसे मांगने आना, कचला के हेमंत को मारकर बेहोश करना, ये सब इन लोगों का प्लान था। इन सभी बातों के बाद साक्षी हेमंत को चाकू दिखाकर वहां से जाने लगती है, और बाहर जाते ही साक्षी चाकू को नीचे फेंक देती है तो हेमंत उसे उठाकर साक्षी के पीछे जाता है। तभी रानी जो ये सब देख रही थी वो साक्षी को बचाने के लिए हेमंत पर वार कर देती है। आगे जब साक्षी कंफ्यूज थी
कि कौन सा रास्ता बाहर की तरफ जा रहा है, तभी बन्नो के बच्चे उसे सही रास्ता दिखाते हैं। थोड़े देर में उसके पास रानी भी आती है और फिर दोनों मिलकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।